भारत के कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएमएल ने गत 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार धर्म संसद के नाम पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिए जाने का आरोप हिंदूवादी संगठनों पर लगाया है। भाकपा माले के कार्यकर्ता शनिवार को जिला प्रभारी रोहिताश कुमार राजपूत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी बुलंद किए। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में लगभग सभी वक्ताओं ने खुले मन से हिंसा भड़काने और दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने वालों को इनाम तक देने की बात कही है। आरोप लगाया गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बजाय छोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और न ही किसी को मुकदमे में नामजद किया गया है। मांग उठाई गई कि धर्म संसद में यति नरसिंह आनंद सहित भड़काऊ भाषण देने वाले सभी वक्ताओं के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए और संविधान को क्षति पहुंचाने वाले इस तरह के आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए जिला प्रभारी कॉमरेड रोहिताश राजपूत ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, आज हमारा प्रदर्शन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पर है। हरिद्वार के अंदर जो धर्म संसद अभी लगी थी पिछले हफ्ते में, तो वहाँ पर तमाम भड़काऊ भाषण दिए गए, दूसरे धर्म पर हमले किए गए, उनके खिलाफ जो FIR हुई है वो हल्की धाराओं में हुई है और भड़काऊ भाषण देने वाले आज भी बाहर घूम रहे हैं। तो हमारा आज कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है कि इस तरह की जो धर्म संसदें लग रही हैं और वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हों और उन्हें तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। जो हरिद्वार में हुआ है उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए और गंभीर धाराएँ उनके ऊपर लगाई जाएँ। अगली धर्म संसद अलीगढ़ में होने के लिए जा रही है, तो उसके मद्देनजर सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि अलीगढ़ हरिद्वार में जिस तरह की ये घटना घटी है कि वहाँ इस तरह की घटना ना घटे, उस पर पाबंदी लगाई जाए और जहाँ इस तरह के आतंकवादी बातें हों, लोगों को भड़काने की बातें हों, दूसरे धर्म पर हमले करने की बातें हों, ऐसे धार्मिक आयोजनों पर सरकार को पाबंदी लगा देनी चाहिए, उन्हें पूर्णतः स्थगित करना चाहिए कि इसके चुनाव का माहौल है, देश की फिजा को ये लोग खराब करने के उसमें लगे हुए हैं और देश को बांटना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब पर हमले कर रहे हैं। हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब है और हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम आज ज्ञापन देने आए हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो कौन लोग हैं आपकी नज़र में ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? ये हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं और ये जो है RSS के एजेंडे को लागू कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाए और उनको जेल भेजा जाए।